हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। मैं पवन कुमार पारिक। तो सारे लाडले और लाडलियां, हमारे प्यारे विद्यार्थी जो ड्रीम 100 के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं, सारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। उत्कर्ष से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो केवल एक ही पार्ट था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। लाडलो, अभी तो पूरी किताब बाकी है। एक ही पार्ट की आप झलक देख रहे हो प्यारे विद्यार्थियों। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और बेसिक बहुत अच्छे से लाडलो हमने सीख लिया है। 8.2 तक का बेसिक हमने कवर कर लिया है। और आज बात आती है प्रश्नावली की, तो पीछे क्यों रहना। प्रश्नावली 8.1 के बारे में आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। और ये हमारी क्लास का कौन सा भाग है जी? पांचवा भाग है। कौन सा पार्ट है? पांच पार्ट। हर शनिवार को सुबह 8 बजे हमारी क्लास लगती है। पिछले 4 शनिवार को हो गई है, आज पांचवा शनिवार है लाडलो। तो तैयार हो जाओ अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह पार्ट बहुत ज्यादा नंबरों का है। बहुत ही ज्यादा प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को लाडलो अंतिम रूप दे दीजिए। सारे प्यारे विद्यार्थी आ गए, मैं जो देख पा रहा हूं सभी लाडले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लाडलो पहले सवाल से। आपने बेसिक तगड़ा सा कर दिया है लाडलो, मुझे पता है। बेसिक आपका एकदम धुआंधार हो चुका है, धाकड़ मजबूत बन चुका है लाडलो। अब आज तैयारी कर लेना कमेंट्स करने की, जवाब देने की लाडलो। पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो लाडलो, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ हमने इस पर प्रस्तुति दी थी लाडलो, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा क्या बनता है जी? त्रिभुज एबीसी में 8.1 का पहला सवाल, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एबी बराबर 24 है, बीसी 7 है, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन ए और कोस ए का, और इस प्रश्न का सेकंड पार्ट में साइन सी और कोस सी का, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम ज्ञात करते हैं, अच्छे से सुनना। त्रिभुज एबीसी बनाना है और कोण भी समकोण है, तो मैं यहां बना देता हूं एक त्रिभुज ए बी और सी। 90 डिग्री का कोण कहां पे रखना है? बी पर। ये विशेष ध्यान देना, ऐसे नहीं कि आप यहां ए रख दो, आपको बी यहां पर रखना है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। इसमें ए बी भुजा की लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर, उसके अलावा बी सी बराबर दी है 7 सेंटीमीटर। ये क्या जी? समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ही दी है, तीसरी भुजा ए सी अज्ञात है। और आप भी जानते हो 90 डिग्री के सामने वाली लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है। अब इनमें से कौन लंब है, कौन आधार है, अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें तो एसी ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे जी? त्रिभुज एबीसी में इसका हल क्या होगा? ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो क्या लगेगी जी? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी लाडलो। कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स रुक गए हैं, कमेंट्स चालू लाडलो, कमेंट्स करते रहिए आपके जवाब के। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? बड़ी भुजा एसी का स्क्वायर इक्वल टू अन्य भुजाओं के वर्गों का योग। आप जानते हो हमें सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, बाकी दो बाकी प्रश्न हम नहीं देखेंगे, अभी हम आंखें बंद कर देंगे, हमें तो केवल एसी ज्ञात करनी। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ एसी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइड एसी, जस्ट फर्स्ट नाउ वी दिस। ओके ओके, तो एसी कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितनी है 24 का स्क्वायर, बी सी है 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, लाडले जोड़ चुके हैं 625, तो एसी स्क्वायर 625 है। तो कमेंट्स करके बता दो एसी कितनी आनी चाहिए जी?
25 आनी चाहिए। अब 625 का वर्गमूल आपको बता दूं, 625 का वर्गमूल प्लस माइनस 25 होता है, क्लियर है आपको। मैंने द्विघात समीकरण अभी अभी के दिनों में ही पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है उत्कर्ष में कि 625 का वर्गमूल 25 भी होता है और माइनस 25 भी होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस 25 का वर्ग करोगे तो भी 625 आएगा। तो लाडलो हमें केवल प्लस 25 लेने हैं, क्यों लेने हैं कमेंट्स करके बता दो। 625 का वर्गमूल प्लस 25 भी होता है माइनस, लेकिन मैंने 25 प्लस का लिया, क्यों? क्योंकि यहां पर हम जो है ए बी ए सी और बी सी भुजाएं हैं और भुजा यानी लंबाई सदैव धनात्मक होती है, इसलिए माइनस का 25 कभी नहीं लेंगे जी, ठीक है। तो कहने का मतलब है ए सी बराबर 25 ले लिया, अब ए सी आया, अब हमें निकालना है साइन ए और कोस ए, और दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है साइन सी, दूसरा पार्ट भी यही कर देता हूं साइन सी और कोस सी हमें निकालना है, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है मैं यहीं पे कर देता हूं। तो पहला पार्ट क्या है जी, हमारे पास एसी कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बात करना है साइन ए निकालना है, पहला भाग साइन ए बताओ क्या होगा, आप बता दीजिए। साइन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, लंब बटा कर्ण होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते हो, ठीक है। अब कोण यहां पर ए आ रहा है तो आप ए की दृष्टि से देखो लाडलो, किसकी दृष्टि से, ए की दृष्टि से लंब कौन होगा 7 और कर्ण कौन होगा 25। भाई कोण ए की बात कर रहे हैं तो ए की सामने वाली भुजा 7 होगी क्या, लंब और कर्ण क्या होगा 25 होगा। तो क्या उत्तर आएगा जल्दी बता दीजिए, ए की दृष्टि से देखे तो लंब है 7 और कर्ण है 25, तो उत्तर बता देना चाहिए अभी तक। भैया मैं लिख देता हूं, लंब है बीसी भुजा कर्ण है एसी, तो आएगा 7/25। सभी के आ रहा है मैं देख पा रहा हूं, मोहन के आ गया है, दिनेश प्रजापत, पीयूष प्रयाग, उज्जवल कुमार, अंकित, विक्रम, सीताराम, सभी के उत्तर आ रहा है। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए कोस ए क्या होगा, कोस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, मैंने आपको बताया वा पूरा बेसिक में। तो आधार क्या लेंगे, कोण ए के सामने होगा लंब, तो बची हुई भुजा ए बी क्या होगी आधार, क्लियर है। यदि ए की बात करें तो ये लंब है और ये भुजा आधार है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया वा बेसिक के 4 वीडियो हमने किए हैं। तो आधार ए बी होगा जी और कर्ण होगा ए सी, तो ए बी का मान कितना है 24 और ए सी लाड लो कितनी 25, तो कोस ए का मान होगा 24/25। सभी के कमेंट्स करिए लाड लो, मोहित हेमराज, ध्रुव पटेल, 4H प्रिंस, मोहन, पीयूष, सभी के कमेंट, कमेंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने 4 वीडियो में बेसिक मजबूती से किया हुआ है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं जिसमें हमें साइन सी और कोस सी निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमारा हीरो कौन है, कोण सी, कोण सी की नजर से हम देखेंगे तो साइन सी का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, सूत्र तो फिक्स रहेगा, और कोस का होता है आधार बट्टा कर्ण। लेकिन देखो आपके कोण की स्थिति बदल गई, पहले हम ए की दृष्टि से देख रहे थे, अब हम सी की दृष्टि से देख रहे हैं। तो सी की दृष्टि से देखेंगे तो लंब ए बी होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा AB लंब AC कर्ण हुआ तो क्या बनेगा AB बट्टा AC, तो कितना आएगा AB का मान बता दो जी 24, AC आ गया 25। अगला कोस सी, अब कोण सी है तो सी की दृष्टि से आधार बट्टा कर्ण निकालना है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब है और इससे जुड़ी हुई BC भुजा होगी आधार और कर्ण होगी AC, तो BC कितना है जी 7/25 हमारा सही जवाब होगा। तो पहला सवाल क्लियर लाड लो, देखो बेसिक जिनका मजबूत है तो उन्होंने तुरंत कमेंट दे दिए हैं, ओम सालेगा, मोहन, असगर खान, ध्रुव पटेल, अंकित कुमार, पुकराज कन्हैया, हेमाराम, मुनमुन, बिल्कुल सभी के जवाब आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। कमेंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर पहले कर देना था, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। अब सीधा हम आते हैं दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल आते हैं चित्र में टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात करना है, ठीक है। हमें देखो टेन के साथ तो कोण पी की बात कर रहे हैं जी और कोट के साथ कोण आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले पी को हीरो मान के टेन निकालेंगे और आर को हीरो मान के कोट निकालेंगे, जो भी वैल्यूज आएगी उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों घबराना नहीं है, तो पहले तो त्रिभुज की दो भुजाएं दी है ना, तीसरी कौन निकालेगा, हम और आप मिलकर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज
क्या नाम है त्रिभुज का? त्रिभुज का नाम है त्रिभुज पी क्यू आर। हमेशा जहां 90 डिग्री कोण बने वो बिंदु बीच में रखो, पी क्यू आर। नामकरण ऐसे करो कि जो बीच कोण 90 डिग्री है वो मध्य में आना चाहिए। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले लगाएंगे कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है तो लगा दो पाइथोगोरस प्रमेय, पाइथोगोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण 90 के सामने वाली भुजा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताओ क्यू आर का मान कितना आएगा। मैं देख पा रहा हूं जवाब आने लग गए हैं, आप भी निकाल के बताइए। तो पी आर है लाडलो 13 का स्क्वायर, पी क्यू है 12 का स्क्वायर, क्यू आर हमें फाइंड आउट करनी है। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 उधर जाएगा तो घटेगा, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 169 में से 144 माइनस करो 25, क्यू आर स्क्वायर का मान 25 है तो क्यू आर का मान होगा 25 का लाडलो वर्ग मूल। प्लस माइनस 5 होता है लेकिन हमेशा हमें प्लस 5 ही लिखना है क्योंकि हमने द्विघात बहुपद अभी हमने चौथा पार्ट हमारे उत्कर्ष ऐप में किया, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि हमेशा दूरियां धनात्मक होती है इसलिए क्यू आर भी एक दूरी है, एक लंबाई है, तो धनात्मक 5 बिल्कुल आ गया है। सैजल, चिराग, लोकेश, हेमाराम, मोहन, हेमलता, असगर, भानु, सीके के फैन सभी के आ रहे हैं लाडलो, मजा सा डांट दिया है। अब टेन पी निकाल दो, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा टेन पी का मान। फिर आप कोट आर का मान निकाल दो, फिर उनको घटा दो। ठीक है, तो क्यू आर भुजा हमारी आ गई है 5 सेंटीमीटर। तो पहले पी की दृष्टि से लाडलो बता दीजिए टेन का सूत्र क्या होता है। नहीं पता तो पारिक सर बता देंगे, लंब बट्टा होता है आधार। तो पी की दृष्टि से लंब क्यू आर है, आधार पी क्यू है, तो क्या होगा? क्यू आर बट्टा पी क्यू। क्यू आर का मान है 5, पी क्यू है 12, तो उत्तर आएगा जी 5/12। बिल्कुल आ गया है। मुमुक्षा गहलोत, सीताराम यादव, डीजे दिलराज, पुष्पेंद्र के टेक्नो उत्सव, हिमांशु, राहुल पटेल, ज्यादा से ज्यादा धमाकेदार शेयर नहीं कर रहे हो। विकास जाट, राहुल पटेल, राहुल लांबा, पीयूष सोंकिया, मुमुक्षा सभी के आ रहे हैं जी। जवाब में देख पा रहा हूं कोट आर की। अब कोट वाला कह रहा है मेरे लिए कोण आर हीरो है, कोई बात नहीं। तो कोण कोट आर का क्या सूत्र होता है? कोट का होता है आधार बट्टा लंब। आधार देखो कोण एक आर के लिए, कोण आर के लिए लंब है पी क्यू, कोण आर के सामने वाली भुजा लंब है, आधार क्या होगा? क्यू आर होगा। ओके, और लंब कौन सी भुजा होगी? पी क्यू हो जाएगी। क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है? वापिस सुनना, कोट के लिए हमें कोण आर लेना है, आर के सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है, पर हमें तो आधार चाहिए, आधार हो गया क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो क्यू आर कितना आया हुआ है? 5 आया हुआ है, पी क्यू कितनी है? 12। तो दोनों देखो टेन पी पी 5/12 और कोट आर भी 5/12। तो जल्दी जल्दी मान बता दो हम क्या लिखेंगे। अतः टेन पी माइनस का कोट आर क्या होगा? वैल्यूज हमने निकाली हुई है, टेन पी है 5/12, कोट ये भी है 5/12, माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ये अच्छा सवाल है, 2 नंबर में दे सकते हैं। जल्दी कमेंट करके बता दो लाडलो, इतना अच्छा माहौल बना हुआ, आपके जवाब भी सही आ रहे हैं, अपने आप में लाडलो हौसला जग जाना चाहिए, उत्साह लाडलो आपका चरम सीमा पर पहुंच जाना चाहिए, लोगों को लग जाना चाहिए कि हाँ ये लाडले कुछ करके दिखाएंगे। अब लाडलो आप 10वीं बोर्ड में आ गए, अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? 000 लाडलो ने जवाब दे दिया, ये 0 जवाब देने वाले ही हमारे असली हीरो है जी। तो पहुंचते हैं हमारे विद्यार्थी और हम तीसरे सवाल में। क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4, कोस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। सब बेसिक में बताया है आपको, साइन दे दिया अन्य 2 पूछ रहा है, वापिस सुनना, साइन दे दिया अन्य 2 पूछ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं लाडलो। क्या करेंगे? मन से एक समकोण त्रिभुज ले लो, कोण ए को न्यून कोण मानना है क्योंकि जब भी साइन के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ जो कोण आते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी, इसको सी। मैंने मर्जी से एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज एबीसी में मैंने किसको माना है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर क्या मान लिया है? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो बात कोण ए की कर रहे हैं, कोण ए के लिए आप बता दो लंब आधार कौन होगा, कोण ए की बात करना है ना। देखो निकालने भी ए वाले ही है,
हमें दिया भी कोण ए ही है और निकालने भी कोण ए के ही मान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोण ए के लिए लंब कौन सी भुजा होगी लिख दीजिए, कोण ए के लिए लंब, ठीक है, कोण ए के लिए लंब कौन सी भुजा होगी जी, बीसी होगी। कोण ए के लिए आधार भुजा कौन सी होगी, ए बी होगी। और कोण ए के लिए कर्ण कौन सा होगा, ए सी। ये आप सबसे पहले लिख दीजिए को कोण ए के लिए लंब ये, आधार ये और ए सी मेरा कर्ण, यहां तक ज्ञात कर लिया। अब सवाल में हमें क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, ठीक है। साइन क्या होता है आप भी जानते हो, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है ना। अरे भैया साइन होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी लंब क्या है हमारा बीसी और कर्ण है लाडलो एसी। भाई लंब कौन सी भुजा है, बीसी और कर्ण है एसी, ठीक है। अब देखो आपको मैंने कहा था बीसी बट्टा एसी, बीसी बट्टा एसी का अनुपात दिया है 3/4 लाडलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीसी की जगह आप 3 लिख दो और एसी की जगह लाडलो 4 लिख दो, ठीक है। साइन का सूत्र लगाना है लंब बट्टा कर्ण, तो विद्यार्थियों मन से ऐसा नहीं सोच लो कि बीसी 3 है एसी 4, ये अनुपात है, ये अनुपात है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अनुपात को एक संख्या k से गुणा कर दो या x से गुणा कर दो, किसी भी एक अचर से कोई वास्तविक संख्या से गुणा कर देते हैं, उसे k मान लो, a मान लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना bc बराबर, ठीक है, माना BC 3 को भी इंटू कर दो K से, 3 के आएगा, और AC को भी गुणा कर दो K से, 4 इंटू K 4 के, ठीक है। अब भी आप देख लो ये कट कटा के K से K कटेगा तो BC बट्टा AC 3/4 ही आएगा, ठीक है। हमने दोनों को 3 और 4 जो अनुपात थे अंश और हर को K से गुणा कर दिया, तो BC कितनी आ गया लाड लो 3 के आ गया, AC हो गया 4 के। तो मुझे बताओ AB क्या होगा, जल्दी जल्दी पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान निकाल दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है जी, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC का वर्ग जो है AB वर्ग प्लस BC वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। AC कितनी है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर। AB कितनी है जी, नहीं पता, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB इन दिस क्वेश्चन। BC कितनी है जी, 3 के है, वो क्लियर है। मजा आ रहा है ना विद्यार्थियों, यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा है मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब देखो 4 के का वर्ग क्या होगा, यहां करते हैं 4 का वर्ग होगा 16 के स्क्वायर। AB का वर्ग हमें निकालना है जी, और BC का 3 का वर्ग होगा 9 के स्क्वायर। 9 उधर जाएगा, 16 में से घटेगा, भैया 16 में से 9 घटाएंगे तो बनेगा 7 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो AB का मान क्या होगा जी, हम 7 के स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो आएगा k, तो बाहर आएगा भाई, k के ऊपर स्क्वायर है ना, तो वर्गमूल से कट के k बाहर आ जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन 7 जो है हमेशा लाडलो गुलाम रहेगा अंडर रूट का, परतंत्र रहेगा, k बाहर आ गया क्योंकि वर्ग था, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, यह गणित का नियम है जी। तो 7 अंदर रह गया, तो k रूट 7 जिनके भी आया सुपर, बिल्कुल क्लाडलो सही आया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो रूट 7 अलग लिख दिया, k बाहर, ऐसे भी लिख सकते हो गुणा में, ठीक है, दोनों ही सही है। कुछ बच्चे अभी ये जवाब दे रहे हैं ये गलत है, k तो वर्गमूल से बाहर आगा ना, इससे अच्छा आगे लिख दो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है k रूट 7 AB का मान। अब जो पूछा वो निकाल दो, क्या पूछा, cos a, ठीक है। तो अब बताओ cos a का मान क्या होगा, cos होता है cos a की दृष्टि से आधार बट्टा कर्ण, तो आधार AB है, कर्ण है AC, ठीक है, AB बट्टा AC होता है ना cos का फॉर्मूला, आधार बट्टा कर्ण लाल बट्टा कक्का जी। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दो AB कितनी है, वो आ गई k रूट 7। AC कितनी है जी, AC का मान है, देखो ना इस त्रिभुज में सब लिख दिया आपके लिए, जब भी आप एग्जाम बोर्ड के अंदर सवाल करो तो जो भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मान लिख दो चित्र के अंदर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चित्र जो होता है ना, एक चित्र लाड लो हजार शब्दों को कह देता है, समझ में तो सभी को आ रहा है। रामूलाल राजस्थानी स्टेटस, सुमेर बिश्नोई, रामूलाल ग्रामीण स्कूल, सभी को समझ में आ रहा है, हिमांशु लाडले अच्छे से जवाब भी दे रहे हैं। तो क्या उत्तर आएगा इसका, k से k कट जाएगा तो आएगा रूट 7/4, ठीक है, रूट 7/4 सभी के उत्तर आ गया। सोनू मीना,
पीयूष सभी क्या आ रहा है, नारायण सिंह, राजपूत, पुखराज, ठीक है। अब टेन ए निकालते हैं, टेन ए का मान क्या होता है, टेन क्या होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है, टेन होता है लंब बट्टा आधार, तो क्या होगा बीसी बट्टा ए बी। बीसी का मान कितना है जी, बीसी का मान है तीन के, ए बी का मान कितना है के रूट सात। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दो क्या जवाब आएगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे, सभी क्या आ रहा है, के से के कट जाएगा तो आएगा तीन बट्टा रूट सात। क्लियर है सभी विद्यार्थियों के, आ गया मैं देख पा रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल। सुनीता स्वामी, जयंती, गोगाराम जी, अक्षय कुमार शर्मा, यश गर्ग, अक्षर खान, ओमसा लेगा, उज्ज्वल, राकेश, ममता जोशी, गीता बिश्नोई साहू, सोहा अंसारी, सभी को समझ में आ रहा, महिमा चौधरी, विकास कुमार, कमला चौधरी, सारण, सभी विद्यार्थी सही से जवाब दे रहे हैं। तीन सवाल खत्म हो गए, चौथा सवाल, 15 cot A = 8। देखो तीसरा सवाल, चौथा और पांचवा तीनों एक जैसे, और एग्जाम में काफी बार पूछते हैं ये तीनों सवाल, सेम टू सेम है, एक अनुपात दिया है, बाकी निकालो, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए, प्रश्नावली 8.1 करा रहा हूं, चार वीडियो में बेसिक बताया, केवल प्रश्नावली करवा रहा हूं, ये सब सवाल करवा दिए हैं, चार वीडियो आपको उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में चमक चमकते नजर आ जाएंगे जी, प्ले लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो 15 cot A = 8 दिया है, देखो 15 cot A के साथ गुणा में है ना लाडलो, छल कर रहा हमारे साथ, cot A बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणा का भाग में जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा ना, तो देख लो cot A, सेम पिछले सवाल में साइन दिया था, ठीक है, इस बार कोट आपको उलझा के दिया, 15 उधर है ना, बट्टा वाला उधर भेज दिया, तो हम वापस इधर भेजेंगे, 15 गया भाग में, कोट ए दिया है, साइन और सेक निकालो, सेम सवाल है लाडलो, जल्दी जल्दी करते हूं, आप भी जवाब करो, खुद की कॉपी में लग जाओ पेन से, और कमेंट करके इन दोनों के मान निकालो, मैं भी निकालता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मर्जी से एक समकोण त्रिभुज ले लो, न्यून कोण ए यहां रखना है, क्योंकि देखो सभी के साथ कोण ए आ रहा है, ए चाहे तो यहां रख दो, यहां रख दो, न्यून कोण या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं एबीसी, जिसमें कोण ये 90 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी बराबर 90 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है। अब क्या करना है, अब बात करनी है किसकी, कोण ए, कोण ए के लिए आप बता दो लंब और आधार क्या होंगे, कोण ए की बात करें इसकी तो लंब बीसी होगा, ठीक है, कोण ए के लिए लंब भुजा कौन सी होगी जी, बीसी, आधार भुजा कौन सी होगी जी, ए बी, ठीक है, और कर्ण भुजा कौन सी होगी जी, ठीक है, कर्ण भुजा होगी ए सी, क्लियर है। अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है चूंकि प्रश्न में दिया 15 cot A = 8 दिया है, 15 गुणा का उधर भेजेंगे तो कोट ए बराबर 8 × 15 कोट होता लाडलो आधार बट्टा लम, ए बट्टा एल, ठीक है, ए मतलब आधार, एल मतलब लम, सही समझ में आ रहा है सभी को, इसका मैंने बेसिक बताया हुआ है, हो सकता है कुछ बच्चे आज ही पहली बार आए हैं, आप चार वीडियो में देखना पूरा इनका जो बेसिक जानकारी होती है वो मैं समझाइए, वहां भी मैंने सवाल भी करवाए हैं, आज पांचवा वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जितना आए समझो, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों 15 cot A = 8 है, 15 गुणा का उधर गया भाग में, आधार बट्टा लंब, अब आधार क्या है जी, आप भी बताओ, आधार बट्टा लंब, आधार आपने किसको माना है जी, ए बी को, और लंब किसको माना है, बी सी को, तो ए बी बट्टा बी सी कितना होगा, 8/15, ठीक है, ए बी 8 और बी सी 15 नहीं मानना है, ये अनुपात है जी, ए बी बट्टा बी सी कहां से आया, क्योंकि आप जानते हो ना कोट का फॉर्मूला, आपको बताया हुआ ना लाल बट्टा वाला कक्का वाला फॉर्मूला, तो देखो ये होता है साइन लंब बट्टा कर्ण, कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन होता है लंब बट्टा आधार, कोट उल्टा होगा आधार बट्टा लंब, वही मैंने लिखा है आधार ए बी लंब बी सी, तो हम क्या करेंगे यहां माना लिखेंगे, 8 और 15 को आप के से गुणा कर दो, क्लियर है। तो प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा ना, खुशी कुमारी पीयूष सबने जवाब भी दे दिया, गणपत लखानी भी जुड़े हैं स्पेशल हमारे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों कोट ए बराबर 8/15 की बात करते हैं लाडलो, तो ए बी को क्या मान लो, 8 के मान लो, यानी के से गुणा कर दो 8 और 15 को, और बीसी को भी मान लो 15 के, दोनों हमने के से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि के से के कटेगा तो वापस आना तो हमारा 8/15 ही है जी,
ठीक है। अब बता दीजिए क्या होगा, लगा देंगे पाई तो भाई एक ए बी आ गई 8 के, बीसी आ गई 15 के, तो क्या एसी फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या भाई? हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, जस्ट वी नाउ हम क्या चाहते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस यानी कर्ण भी आ जाए जी, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों पाइथागोरस प्रमेय आप अच्छे से जानते हो ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी वर्ग स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा जी, क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो भुजाएं पता है, तीसरी ज्ञात करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आप बताओ साइन के अंदर क्या चाहिएगा, लंब बट्टा कर्ण। आप दिमाग लगाओ ये प्रोसेस में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साइन के अंदर आपको कर्ण की आवश्यकता होगी, सेक क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण तो जरूरी होगा ना, इसलिए कर्ण निकाल रहा हूं। सब चीजें पता होनी चाहिए कि आप क्यों निकाल रहे हो, क्यों नहीं निकालो। काफी बच्चों के उत्तर भी आ गए हैं, अभी हम भी चेक करेंगे, सभी को समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल। प्रीति कुमारी, चित्रांश शर्मा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ए सी हमें निकालना है, ए सी स्क्वायर, ए बी है 8 के, 8 के का स्क्वायर, बी सी आएगी 15 के। आपके बताओ ए सी कितना आया, स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ, सारे विद्यार्थी आप लोगों के ए सी कितना आ रहा है जल्दी कमेंट्स करके बताओ। 17 आ रहा है, काफी बच्चे कह रहे हैं, चेक करेंगे अभी। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है। आप देखिए ना, जो भी प्यारा नया विद्यार्थी आया, आप देखो इतने बच्चे जवाब दे रहे हैं, इनके लिए भी तो 10वीं क्लास पहली बार है। और कितने चैप्टर छोड़ोगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, लाड लो एक प्रश्नावली छोड़ोगे, दो छोड़ोगे, अरे बास ने, इसलिए आपको कह रहा हूं चार वीडियो देख लो, समय निकाल के, अभी भी देर नहीं हुई, नहीं तो 8वें वीडियो में पहुंचूंगा तब भी मैं ये बोलूंगा 7 वीडियो देख लो, इसलिए अभी तो ज्यादा देर नहीं हुई है, लाड लो देख लो। तो ए सी स्क्वायर 8 के का वर्ग होगा 64 के स्क्वायर, 15 होगा 225 के स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे तो होगा 289 के स्क्वायर, और ए सी बराबर क्या होगा, 289 के स्क्वायर का वर्गमूल जो कि होता है 17 के। देखो 17 नहीं होगा, के भी लिखना है, काफी बच्चों ने 17 लिख दिया है, साथ में के भी तो आएगा ना, के का भी तो रोल है जी, ठीक है। अब 17 के आ गया है, अब जो पूछा वो निकाल दो, एसी कितनी आ गई है, 17 के आ गई है, तीनों भुजाएं आ गई, अब हमें साइन निकालना, तो साइन का क्या उत्तर आएगा कमेंट्स करके बता दो, और सेक ए का क्या उत्तर आएगा जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं जी, आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, फॉर योर रिप्लाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लाडलो लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है जी, लंब है बीसी भुजा, कर्ण है लाडलो एसी भुजा बीसी, भाई लंब यहां लिखा हो ना यहां, इसीलिए मैंने पूरी डिटेल लिख दी, लंब कौन है, आधार कौन है कर्ण, क्योंकि सवाल में ए ही पूछा है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों साइन ए बीसी, बीसी कितनी है जी, 15 के, और 17 के है कर्ण, तो 15 के बट्टा 17 के से के आप जानते हो हमेशा डिसुम होते हैं, अंश और हर में दोनों समान है, के से के कटेगा तो 15 बट्टा 17, ठीक है। सेक क्या होता है आप भी जानते हो, कर्ण बट्टा आधार होता है, ठीक है। कर्ण हमने एसी को माना, आधार एबी को माना, एसी कितना है जी, एसी आपने 17 के निकाला है, अभी देखो पूरा आपने प्रोसेस किया, और एबी हमें शुरुआत में दिया हुआ था, एबी था 8 के, ठीक है। तो के से के यहां भी कैंसिल होगा, और क्या उत्तर आएगा, 17 बट्टा 8। सभी को समझ में आ रहा है ना सेके का उत्तर, बिल्कुल सभी को आ रहा है, विकास जाट के सही, असगर खान शर्मा, एक्स ग्रेमिंग, मोहन शीला नागर, पीयूष सोनू मीना, मैं देख पा रहा हूं इतने विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, सभी लाडलो के सही आ रहा, बहुत अच्छी दिशा में कदम है लाडलो, सभी को समझ में आ रहा है, सुपर सुपर, बिल्कुल। प्रीति कुमारी, सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए, देखो के का मतलब क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है, तो के कोई भी एक वास्तविक संख्या है, के जो है ना कोई भी वास्तविक संख्या, मान लीजिए आपने के 2 ले लिया, के की जगह 2 ले लिया, ठीक है। देखो बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा एक बच्चे ने, के की जगह 2 लेंगे तो 8 × 2 ए बी कितनी हो जाएगी, 16 होगी भाई, 8 × k करोगे तो 8 × 2 16 होगा, और यहां 15 × 2 करोगे तो कितना होगा भाई, के मतलब 2 माना, 15 × 2 30,
तो देखो हमारे बीसी आ गई 30। अब देखो आप यदि ए बी 16 मानते हो बीसी 30, तो कट कटा के अब वापिस अनुपात 2 से कटेगा ये 8 बार और ये कटेगा 15 बार, आएगा तो कितना जी 8 बंदा 15 आएगा, तो 8 बट्टा 15 ये आप दिमाग में फिट कर लो जी। अब के यदि 3 ले लिया तो 8 तिया 24, 15 तिया 45, 24 बट्टा 45 कट कटा के आएगा तो 8 बंदा 15। आपने के की जगह 4 ले लिया, 8 × 4 = 32, 15 × 4 = 60 आएगा तो 8 बट्टा 15 कट कटा के 32 बट्टा 60 को काट देना आएगा तो 8 बट्टा 15। तो के क्या है, के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, अनुपात हमें दिए हैं, आपने इन दोनों को के से गुणा किया, आप चाहो तो एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। व्हाट इज थीटा, थीटा मैं आपको बता रहा हूं, थीटा अज्ञात न्यून कोण होता है, जब भी हमें सुरंदर जात कोण थीटा नहीं पता होता है उस स्थिति में हम क्या लेते हैं, थीटा न्यून कोण, जब भी कोण नहीं पता है तो थीटा ले लिया जाता है, ठीक है, ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी के आगे आ जवाब। अगला है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों, अरे जैया टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, एक आपको दे दिया, एक के दर्शन दे दिए, 5 के दर्शन आपको कराने हैं अभी लाइव क्लास में, सुप्रभात आपको मैंने बोल दिया है और सूरज की किरणें भी आप पर पड़ने लग गई होगी, अब भी आप नहीं उठे हो नींद से, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो क्या किया जी, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको एक अनुपात दिया है कौन थीटा लेना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं, यानी सारे सेक के अलावा सारे कौन साइन कोस टेन कोट और कोसेक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या कर लो, आप मर्जी से एक त्रिभुज ले लो, ठीक है, ये त्रिभुज आपने ले लिया, कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एबीसी आपने एक समकोण त्रिभुज ले लिया और कोण एक को थीटा मान लिया, ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी, क्योंकि समकोण त्रिभुज मानना जरूरी है, डायग्राम से क्या है जल्दी जल्दी जी निकलती है, ठीक है। कमेंट्स तैयार रखना, सारे कमेंट्स लाडले और लाडलियां तो पीछे नहीं है, मैं जानता हूं हमारी सारी जो स्टूडेंट्स जुड़ी है, सारे की सारी बच्चियां जल्दी जल्दी कर लेती है, आप इसके जवाब तैयार रखो, मैं भी अभी पहुंच रहा हूं, आप लोग समझ के उत्तर निकालो, बाकी जिनको नहीं आता है वो मैं समझा रहा हूं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज मान लो, कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री, ये सबसे इजी पार्ट है, ऐसे ही हवा बनाई हुई है कि भारी है भारी, आपको लग रहा है ना बहुत इजी पार्ट है, तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोण ए को आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है, आप चाहो तो सी को भी मान सकते थे, अब कोण ए को थीटा मान लिया, मेन मुख्य हीरो मान लिया, तो लंब कौन सी भुजा होगी, लंब होगी बीसी भुजा, आधार कौन सी भुजा होगी, एबी भुजा, और कर्ण होगी जी एसी भुजा, आपको बताया हुआ ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है बीसी, ये वाली भुजा आधार होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा एसी कर्ण होती है, बेसिक में बताया हुआ है मैंने। अब आपको क्या दिया है जी, सेक थीटा दिया है, सवाल में सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, सेक किसके बराबर होता है आप भी जानते हो, कर्ण बट्टा आधार के, ठीक है, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण एसी बट्टा आधार एबी, तो एसी और एबी का अनुपात आपको दिया है, एसी और एबी की एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है जी, ठीक है, एसी और बिल्कुल आपको मैं नहीं भूला हूं, काफी 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चे भी जुड़े हैं, मैं आपको नहीं भूला हूं, आप ऐसा मत सोचिए प्यारे विद्यार्थियों, आप भी अटेंड कीजिए और आपके जो भी नन्हे मुन्ने दोस्त यार शेयर कीजिए, उनको भी 10वीं क्लास के लाडलों को बताइए कि पारिक सर जो है आपको पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति, और उत्कर्ष के बारे में भी आप बताइए कि हमारी क्लास से स्टार्ट हो चुकी है, 4-5 पार्ट भी करवा दिए हैं, 10वीं बोर्ड का सवाल है और ड्रीम 100 का सपना क्या होता है उसके बारे में आप जरूर उनको बता देना जी, ठीक है, बिल्कुल, ये सभी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जो भी बोर्ड के बच्चे जुड़े हैं, मैं बता दूं एनसीईआरटी में 8वां पार्ट आपके ये है, चेक कर लो, 5वां सवाल ये है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा जी, ठीक है, तो आप बार बार मत पूछो कि सर मैं एमपी बोर्ड से हूं, बिहार बोर्ड से हूं, देखूं क्या, देखना ही है जी, ज्ञान मिल रहा है तो लेना चाहिए। कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है, आधार कितना है, हम ऐसे अनुपात से आइडिया नहीं लगा सकते, तो एसी बट्टा एबी का अनुपात दिया, आप इन दोनों को एक संख्या के से गुणा कर दो, क्यों, क्योंकि हमें एक्चुअल मान नहीं पता है कि ये भुजा कितनी है, ये कितनी, हम के से गुणा कर देते हैं, के टाइम्स, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना, सभी को समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताया करो आप,
ठीक है, माना AC बराबर 13 के और AB बराबर क्या मान लोगे 12 के, दोनों को K से गुणा कर दिया, AC को 13 को K से गुणा किया 13 के, AB को 12 से K से गुणा किया 12 के, कट कटा के वापस आप देखो ना 13 के में 12 के का भाग दोगे, K से K कटेगा, वापस आना तो 13 बट्टा 12 ही है। अब आप बता दीजिए हमारे पास AC आ गई 13 के और AB आ गया कितना 12 के, तो बताइए BC कितना आएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट्स करके बता दीजिए। क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप जानते हो, इसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, क्या कहते हैं बोधायन प्रमेय, तो AC स्क्वायर इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग यानी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। AC कितना है 13 के, तो 13 के का वर्ग, AB कितना है, AB है 12 के, तो 12 के का वर्ग, तो BC स्क्वायर कितना आ रहा है कमेंट्स करके जल्दी जल्दी बता दो, ये बनेगा 169 के स्क्वायर और ये 144 उधर जाएगा तो 144 के स्क्वायर माइनस होगा इक्वल टू BC स्क्वायर, कमेंट्स करके बता दो कितना आ रहा है, ये 169 के स्क्वायर होगा, ये 12 के का वर्ग होगा, 144 के स्क्वायर उधर भेज दिया तो ऋणात्मक हुआ। आप देखो ना इतने बच्चे लाइव देख रहे, इसका मतलब समझ में तो आ रहा है ना लाडलो, ठीक है, तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा, BC स्क्वायर बराबर घटाओगे तो आएगा 25 के स्क्वायर, 169 में से 144 घटा दो पीछे लग जाएगा के स्क्वायर, तो BC बराबर होगा 25 के स्क्वायर का वर्गमूल कर लोगे तो आएगा धनात्मक 5 के, माइनस का 5 के क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। काफी बच्चों के आया मैं देख पा रहा हूं, निशांत, मीणा, राजेश, असगर, कमलेश, खुशबू, दीपेश, हिमांशु, सभी के आ रहा, मोहित, विकास जाट, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, सभी क्या आ रहा है, सचिन, दिनेश, जितेंद्र, सभी क्या आ रहा है जी, ठीक है। अब देखो, अब हमें BC भी आ गई, BC कितनी आ गई 5 के। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने निकालता हूं, साइन थीटा भी निकालना है, कोश थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, कोट थीटा भी निकालना है और कोसेक थीटा भी निकालना है, ठीक है, सारों की वैल्यू निकालनी। साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन होता है लंब बट्टा आधार, कोट होता है आधार बट्टा लंब, और ये होता है जी कर्ण बट्टा लंब, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता दो लंब बट्टा कर्ण जी, ठीक है, मैं वैल्यू भुजाओं के भी रख देता हूं तो आपको आपको अच्छा समझ में आएगा। लंब बट्टा कर्ण, लंब है BC, कर्ण है AC, अब तो बता ही सकते हो ना, लंब BC है, कर्ण AC, तो BC कितनी है जी 8 के, सॉरी BC है 5 के, कर्ण है 13 के, तो क्या आएगा 5 के बट्टा 13 के, कट कटा के कितना आएगा वो भी चेक करते हैं, तो देखो ये 13 के है, ठीक है, तो के से के कैंसिल होगा, पीछे बचेगा 5 बट्टा 13, सभी के आ रहा है, सभी विद्यार्थियों के आ रहा है ना, मैं उम्मीद कर रहा हूं, 5 बट्टा 13 आ गया सभी के, ध्रुव पटेल क्या आ गया है, चित्रांश क्या आ गया है, चिराग क्या आ गया, मिस्त्री आचार्य क्या आ गया है, सीकाराम के, अक्षय कुमार शर्मा, हेमराज, सभी क्या आ रहा है, सुरेंद्र, पीयूष, प्यारेलाल, युवराज, महिमा चौधरी, सभी क्या आ रहा है, दिलकुश क्या आ गया है। अब कोष निकालो, फिर वापस आपका नाम लेंगे किसने सही दिया, ठीक है। आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है जी, आधार है ए बी, कर्ण है ए सी, तो बनेगा ए बी बट्टा ए सी, ए बी का मान त्रिभुज के अंदर देखो 12 के आया, और त्रिभुज को देखो कर्ण ए सी कितना है 13 के से के लाड लो डिसुम होता है तो पीछे बनता है 12/13, 12 बट्टा 13 किस किस के आया जी, आया बिल्कुल आया, सभी के आया, एच जे जाट, शीला नागर, रामूलाल, राकेश, रविनाथ चौधरी, विकास गांधी, पूनम, निशांत, राकेश, हिमांशु, असगर, सभी के आ रहा है जी। 10 निकाल दो, 10 होता है लंब बट्टा आधार, 10 होता है जी लंब बट्टा आधार, होता है लंब बीजा है BC, आधार है AB, तो BC कितना है जी, BC है 5 के और आधार है 12 के से के हमेशा डिसुम हुआ है, आज तक लाडलो बलिदान दिया है के ने, तो 5 बट्टा 12 किन किन के आ रहा है, कमेंट्स करके जवाब तैयार रखने थे, इतनी देर में काफी बच्चों ने पूरे कमेंट्स भी दिए, जैसे खुशी कुमारी ने सारे जवाब एक साथ लिख के दिए, सुपर सोनू मीना, हेमाराम, कमला, लोकेश, मोहित, आप लोग लाडलो कमेंट वीडियो शेयर नहीं करते हो ऐसा लगता है, अब करने का टाइम नहीं, अब तो खत्म होने वाला, लेकिन वीडियो जब भी आपको सैटरडे आए उससे पहले धमाकेदार शेयर कर दिया करो लिंक को कॉपी करके, ठीक है। अगला है कोट है आधार बट्टा लंब, आधार है एबी, लंब है बीसी, एबी बट्टा बीसी, एबी कितना है जी तू 12 के, बीसी कितना है जी, बीसी 5 के,
तो लाडलो के से के डिसुम हो गया 12 बट्टा 5 इसका सही जवाब होगा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण है जी एसी बट्टा लंब कितना है जी बीसी, एसी बट्टा बीसी, एसी कितना है जी 13 के और बीसी कितना है बीसी 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 है 5 के, ठीक है। तो यहां भी देखो के से के डिसुम होगा तो आएगा 13/5, ठीक है 13/5 आएगा। और जवाब चेक करने का एक तरीका भी मैंने बताया हुआ आपको, मैंने कहा है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यहां बता देता हूं, मैंने कहा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसी तरह कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और टेन थीटा और कोट थीटा भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मैंने टॉपिक पढ़ाया था, यानी साइन और कोस एक कोसेक एक दूसरे के उल्टे आएंगे। तो साइन देखो 5/13 आया तो कोसेक क्या आया 13/5, यानी आपने सही निकाला, आप जांच भी कर सकते हो, एक आएगा 5/13 1/13/5 सभी क्या आया विद्या वर्मा श्रवण पुकराज पुष्पेंद्र निशांत सभी क्या आ रहा है मुकेश। अगला कोस और सेक एक दूसरे के उल्टा आएगा, सेक 13/12 दिया तो कोस देख लो 12/13 एकदम पलट के आएगा, एकदम व्युत्क्रम आएगा, ठीक है। सेक क्यों नहीं लिखा, ठीक है सेक इसलिए नहीं दिया लिखा लाडली क्योंकि सेक सवाल में दिया हुआ था 13/12, सेक क्यों नहीं लिखा एक बच्चिया पूछ रही है तो सेक सवाल में दिया ना क्यों लिखेंगे। अगला टेन और कोट, टेन 5/12 तो कोट 12/12 एकदम उल्टे आएंगे व्युत्क्रम आएंगे, ये टॉपिक से इससे आपको आइडिया लग जाएगा इससे कि हमने सही जवाब निकाले जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा कमेंट करके बताओ लाडलो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है लाडलो, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, इसको भी अच्छे से समझना, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल धमाकेदार मजा आ रहा है, शेयर नहीं करेंगे सर, मजा लेंगे हम अकेले लेकिन शेयर नहीं करेंगे जी, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, सारे विद्यार्थी हमारे आ गए हैं। अगला सवाल है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, बिल्कुल न्यून कोण है, ठीक है, और कोस ए बराबर कोस बी भी है, यानी कोस ए और कोस बी बराबर है तो दिखाइए कि कोण ए और बी भी बराबर है, बहुत अच्छा सवाल है सुपर बिहार विद्यार्थियों, तो ड्रीम 100 के लाडले शेयर नहीं करेंगे बस ये मुझे पता लग गया, ठीक है। तो एक त्रिभुज मैंने ले लिया है, त्रिभुज का नाम है, ठीक है त्रिभुज का नाम है ए बी सी, सवाल में देखो हमें क्या बोला है कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण, इसका मतलब ए भी यहां रखना है बी यहां रखना है, चाहे तो ए यहां रख दो बी यहां रख दो, लेकिन 90 डिग्री पर ए और बी में से कोई भी एक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सवाल में स्पष्ट रूप से कह दिया कि ए और बी न्यून कोण है तो ए और बी को इन दोनों में से ही किसी स्थान पर रखना है जी, कर दिया यहां तक, अच्छा सवाल है सुनना, कोण ए और बी को न्यून कोण बना दिया, सी को बना दिया 90 डिग्री वाला कोण। अब सवाल में बोला है कोस ए और कोस बी बराबर है, तो ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न में क्या दिया है, पहले तो मैं आपको बता दूं कोस थीटा क्या होता है, सिंपल कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, पब्लिक लाइव चल रही है लाडलो, जमा जम रंगारंग लाडलो शेयर नहीं कर रहे हो, बच्चे कह रहे हैं अफगानिस्तान रूस और चाइना तक लिंक भेज दिया, सुपर लाडलो इंडिया में भेजना है वो नहीं आने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ना है वहां अलग लैंग्वेज चलती है, ठीक है। तो कोस होता है आधार बट्टा कर्ण की बात करते हैं, अब देखिए कोस आधार बट्टा कर्ण है, एक बार कोस के साथ न्यून कोण ए आ रहा है और एक बार कोस के साथ न्यून कोण बी आ रहा है, तो अलग अलग दिमाग लगाना, एक बार न्यून कोण ए की बात कर रहा है एक बार न्यून कोण बी की बात कर रहा है, तो बिल्कुल मत घबराना, सवाल में हमें क्या दिया है कोस ए बराबर दिया है कोस बी, और अब देखो एक बार क्या करना है कोण ए को हीरो मानना, इसको आप न्यून कोण मान लो तो आधार बट्टा कर्ण क्या आएगा, आप दिमाग लगाना, ए की बात करो सिंपल, कोण ए के सामने वाली बात भुजा कौन सी होगी लंब, तो आधार कौन सी भुजा होगी एसी होगी, दिमाग फिट करो, कोण ए की बात करें तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, हमें आधार चाहिए तो आधार कौन सी भुजा होगी एसी, बट्टा कर्ण तो हमेशा फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी होगी, इसी तरह अब बात करो यहां पर बी आएगा कोस बी, ठीक है तो अब बात करते हैं कोण बी की, कोण बी की बात करें देखो कोस ए की बात करते हैं तो कोस ए क्या होता है आप भी जानते हो आधार बट्टा कर्ण, तो ए के सामने वाली भुजा लाड लो ये लंब है तो आधार लेंगे ए सी और कर्ण लेंगे ए बी,
अब बात करते हैं कोण बी की लाडलो, अब बी पर फोकस मार लो लाडलो, टॉर्च लेकर आ जाओ, प्रकाश यहां डालो। आप हमेशा बचपन में पढ़ते हो कि इस प्रश्न पर प्रकाश डालो, तो यहां पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, टॉर्च हमारे पास नहीं है, गणित मानने की दुनिया है, तो समझ लो पारिक सर के हाथ में ड्रीम 100 वाली टॉर्च है। तो बी के सामने वाली भुजा तो लंब होगी, भाई कोण बी की बात कर रहे हैं तो आधार भी बी पर आधारित चाहिए, तो कोण बी के सामने वाली भुजा लंब होगी, बची हुई बी सी भुजा क्या होगी, आधार, और बट्टा कर्ण, कर्ण तो ए बी ही रहेगा, चाहे हीरो कोण ए को मानो चाहे बी को मानो। यहां तक सभी को समझ में आया तो क्रिस्टल क्लियर लिख दो, फिर मैं अगला स्टेप बताऊंगा, जल्दी जल्दी वो बता दीजिए सभी प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए इतना आपको समझ में आ गया, दिमाग फिट करो, आपको घबराना नहीं। कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, कोण ए के लिए आधार क्या होगा, ठीक सामने वाली भुजा लंब, पीछे बची ये आधार ए बी हो गया कर्ण, कर्ण तो फिक्स है लाड लो, यहां पर लिख देता हूं कर्ण तो यही होगा एसी बट्टा भी। अब कोण बी की बात करें तो सामने वाली तो लंब होती है, हमें लंब नहीं लेना, हमें तो आधार बी सी लेना है, बट्टा कर्ण भी। यहां तक क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर के एकदम धमाकेदार सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे, एक भी बच्चे का ऐसा नहीं कि अंगुली रुक जाए, कमेंट सीसी लिख दीजिए, क्रिस्टल क्लियर में समझ जाऊंगा, सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखो यहां भी बट्टा में ए बी, यहां भी बट्टा में ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, भाई हर में दोनों का हर समान है ना, जैसे आपने बचपन में पढ़े होगा 3/5 और 7/5 होता है, तो 5 से 5 कैंसिल होता है, ठीक है, तो AB से AB लाड लो डिसुम हो गया, तो पीछे क्या बचा AC बराबर BC, AC बराबर BC, प्यारे विद्यार्थियों इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि त्रिभुज की AC भुजा, ये वाली भुजा और BC भुजा आपस में बराबर है, आप खुद कह रहे हो ना कि त्रिभुज की AC और BC क्या होती, भुजाएं, और यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो दिस इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो AC बराबर BC है, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हमने साबित कर दिया कि त्रिभुज ABC एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और 9th क्लास में बच्चों ने बहुत ही अच्छा मुझसे पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं ही बराबर नहीं होती है, दो कोण भी बराबर होते हैं, बस आ गया उत्तर A बराबर B। तो वापस सुनना, AB से AB कट, AC भुजा और BC भुजा बराबर हो गई, मैंने नीली लाइनें खींच दी, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती है उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, क्या लिखोगे कि चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में आप क्या जानते हो, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के जो भुजाएं समान है, समान भुजाओं के, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं या समान होते हैं, ये तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा और 9th में पूरी इसकी मैंने प्रमेय करवाई थी आपको, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर है उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ध्यान से समझ में आ गया जी, तो क्या करेंगे, इसके सामने कौन सा कोण है, कोण ए, और इस भुजा के सामने कौन कौन सा है बी, भाई ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ना स्टूडेंट्स, तो इनके सामने वाली, इसके सामने कौन ए नजर आया, इसके सामने कौन बी नजर आया, इसका मतलब कौन ए और कौन बी भी आपस में बराबर है, यही तो दिखाना था, लो दिखा दिया, साबित कर दिया, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः कौन ए बराबर बी, ठीक है, इति सिद्धम जरूर लिख देना क्योंकि आपने इसमें साबित कर दिया है, ठीक है, इति सिद्धम, इति सिद्धम संस्कृत का शब्द है और इंग्लिश में कहते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों कौन ए और बी बराबर क्यों हुआ, समझ में तो आ रहा है ना, सभी एक बार सीसी लिख दिए कि सर ये इंपॉर्टेंट सवाल हमें समझ में आ गया है, कुछ नहीं करना है, कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, तो कोस ए और कोस बी कैसे निकालना, दिमाग में फिट कर लो, कौन ए के सामने वाली भुजा तो लेनी नहीं है, तो एसी बट्टा ए बी आया, कोस बी, बी के सामने वाला लंब होता है तो बची हुई बी सी बट्टा ए बी, ए बी से ए बी कट गए, ए सी और बी सी बराबर आए, तो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज और समान कोण क्या होते हैं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सभी को पता है इसलिए कोण भी बराबर, अच्छा सवाल था, इसे नोट कर लेना जी, ठीक है, अगला सवाल
कोट थीटा बराबर सात बट्टा आठ हो तो एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा, एक प्लस कोस थीटा इंटू एक माइनस कोस थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको देखो कोट की सहायता से हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले कोट की सहायता से आपको साइन और कोस की मान निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में देखो साइन थीटा कोस थीटा आ रहे हैं, तो आपको यदि सवाल में कोट थीटा दिया है तो पहले साइन और कोस कैसे निकालते हैं, आज हमने तीसरा चौथा और पांचवा सवाल किया, उसमें आपने देखा था ना एक अनुपात देते हैं अन्य कैसे निकालते हैं, सेम उसी तरह करना है जी। तो पहले इसको अभी भूल जाओ, एक बार आप कोट की सहायता से सात कोट दिया है, साइन और कोस निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले हल स्टार्ट करते हैं, एक मर्जी से क्या मान लो, त्रिभुज मान लो, जिसका नाम दे दो प्यारे विद्यार्थियों ए बी और सी दे दो, इसको मान लो कोण थीटा, कोण ए को आप न्यून कोण मान लो। तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर हमने 90 डिग्री लिया है और कोण ए को हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है जी, ठीक है। अब सवाल में देखो कोण ए के लिए बात करें, तो लंब क्या होगा, कोण ए के लिए बात करें तो लंब होगी बी सी भुजा, आधार कौन सी भुजा होगी, ए बी भुजा, और कर्ण होगी ऐसी। साइन और कोस निकालो, अभी इस सवाल को मत पढ़ो, कोट दिया है तो साइन कोस कैसे निकालते हैं इतना करो, उसके बाद आगे लाड लोग करेंगे। बिल्कुल 11th और 12th क्लास के बच्चे भी जो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है, साइन कोस त्रिकोणमिति आपके आगे भी काम आती, जरूर आप देखिए, बच्चे समझ में जरूर आएगा। कर्ण बराबर, और ये तो आपके लिए इजी है, 10वीं में आपने पढ़ी हुई है ना लाडलो, क्योंकि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल, ठीक है। तो कर्ण कितना लेंगे, ऐसी लेंगे। अब क्या करेंगे, आगे सुनना, लंब आधार और कर्ण आ गए हैं, अब हमें कोट थीटा बराबर दिया है कितना, 60 बट्टा 8 दिया है। कोट क्या होता है आप भी जानते हो, आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है, सॉरी कोट दिया हुआ ना, तो आधार बट्टा लंब होता है, ठीक है, कोट होता है हमारा आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो आधार कितना है, ए बी लंब है बी सी, ए बी बट्टा बी सी दिया है, ए बी और बी सी का अनुपात दिया है, तो ए बी को मान लो 7 के और बी सी को मान लो 8 के, ये भी मैंने आपको बताया बी सी को 8 के मान लो, और यहां पर माना जरूर लिखना है, क्लियर है, क्योंकि आपने ए बी और बी सी जो अनुपात थे उनको आपने के से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब ध्यान से सुनना है, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको मैं कह कह के थक गया हूं लाडलो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। ए बी और बी सी आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी हमारी आ गई है 7 के और बी सी है 8 के, ठीक है। अब लगाओ एसी निकालो, क्यों एसी निकाल रहे हैं, क्योंकि साइन और कोस में कर्ण की जरूरत होगी, कर्ण नहीं दिया है इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, सभी विद्यार्थी करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, ठीक है। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो एसी कितना आएगा, यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है 7 के, तो आएगा 7 के का स्क्वायर, बी सी कितना है जी, बी सी है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर, ठीक है। ये जो दोनों भुजाएं दी, इन दोनों के वर्गों को जोड़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों क्लास जो है 8 बजे होती है जी, सुबह हर शनिवार को, ये क्लास केवल शनिवार लगती है, हर सुबह 8 बजे, ठीक है, शनिवार सुबह 8 बजे। तो एसी स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग होगा 49 के स्क्वायर, 8 का होगा 64 के स्क्वायर, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ते हैं 9 और 4 13 हासिल 113 के स्क्वायर आएगा। तो देखो हम 113 के स्क्वायर का क्या निकालेंगे, वर्गमूल, के तो बाहर आएगा लेकिन 113 जो है लाडलो स्क्वायर अंडर रूट का गुलाम रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 113 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सभी को दिख रहा है, ठीक है, 113 के सभी क्या आ रहा है, के अंडर रूट के अंदर 113 आएगा, बिल्कुल बच्चों के आ गया है, पीयूष के आया है, सौरभ कुमार मीना के भी आ गया है, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को आ रहा है, ओम प्रकाश प्रशांत सभी विद्यार्थी आओ, घर में पढ़े भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल घर में ही पढ़ना है लाडलो, परिस्थितियां ही ऐसी है, क्या करें, उत्कर्ष आपके साथ है, घर में भी हो तो उत्कर्ष है लाडलो, किसी भी कोने में आप जाके देख सकते हो। अभिषेक कासवान को भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सभी क्या आ गया है, एसी का मान
के अंडर रूट 113, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, और किताबों से कह देना है, क्या कह देना है, किताबों से भी कह दो कि अपनी धूल मिटा के रखे और पढ़ना जो मुझसे चाहते हो तो सपना 100 नंबर का सजा के रखे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी को मान आ गया है एससी का, अब निकाल दो साइन थीटा और कोस थीटा, क्यों, क्योंकि यहां पर जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा और कोस थीटा निकालो, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा, अभी ये हुआ नहीं है प्रश्न। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है जी, ये तीसरी भुजा कितनी आ गई, के अंडर रूट के अंदर 113, तो लंब कौन सा है लाड लो, बीसी बटा कर्ण है एसी, बीसी कितना आया जी, बीसी आया 8 के बट्टा आया के अंडर रूट 113, तो बता दीजिए साइन कितना आएगा, के से के डिसुम, तो आएगा 8 बट्टा अंडर रूट 113, ठीक है। सभी को दिख रहा है यहां पर लिख रहा हूं तो, ठीक है। अगला कोस होता है लाडलो आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है ए बी, कर्ण है ए सी, ठीक है। ए बी कितना है जी, ए बी है 7 के और बट्टा में है के अंडर रूट 113। अब देखिए के से के कटेगा तो आएगा 7 बट्टा अंडर रूट 113, ठीक है। अब साइन और कोस के मान यहां पर रख दो, यहां यहां कोस साइन के, यहां यहां कोस के, तो मैं यहां तक आपको बता देता हूं लाडलो, मान निकाल देते हैं, इसका पीछे की तरफ मान निकालता हूं, यहां जगह भर गई, इसका मान पीछे निकालता हूं, ठीक है। तो क्या सवाल है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा, सवाल यही है ना, पहला सवाल इसका पार्ट, 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा बट्टा नीचे है 1 प्लस कोस थीटा गुणा में है 1 माइनस का कोस थीटा, ठीक है, यही सवाल है आपका, ठीक है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस कोस 1 माइनस साइन, तो साइन का मान है 8 बट्टा रूट 113, ठीक है। तो यहां स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना, ध्यान से सुनना, साइन की जगह क्या लिखना है, 8 बट्टा रूट 113, तो 1 प्लस 8 बट्टा रूट 113 और यहां गुणा में 1 माइनस 8 बट्टा रूट 113, एक बार एक में साइन जोड़ना है, साइन का मान है 8 बट्टा रूट 113 और एक बार घटाना है तो मैंने एक में से घटाया, फिर बट्टा में एक में कोस जोड़ो, कोस का मान कितना आया 7 बट्टा रूट 113, तो एक में 7 बट्टा रूट 113 को जोड़ेंगे और एक में 7 बट्टा रूट 113 को घटाएंगे, तो कितना बचेगा जी, ध्यान से सुनना है, यहां देखो एक में 8 बट्टा रूट 113 जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है और आपस में गुणा भी है, तो याद आ गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप भी जानते हो ना प्यारे विद्यार्थियों, यहां ऊपर अंश में भी और हर में भी फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा आप जल्दी जल्दी बता दीजिए, एक में 8 बट्टा रूट 113 जुड़ रहा एक बार घट रहा, तो क्या बनेगा जी, एक का स्क्वायर, एक का ए क्या है, एक है ऊपर तो अंश में, ए क्या है, ए की जगह एक है और बी की जगह है 8 बट्टा रूट 113, तो 8 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर इन दोनों का गुणनफल बन गया 1 स्क्वायर माइनस 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर बट्टा नीचे, नीचे भी देखो एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं जी, तो ध्यान से सुनना, एक का स्क्वायर आएगा माइनस 7 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बनेगा जी, देखते हैं, एक का वर्ग एक ही होता है, 8 का वर्ग होगा 64 और रूट 113 का वर्ग, मैंने आपको बताया रूट के अंदर 113 है, उसका वर्ग क्या होगा, वर्ग से स्क्वायर रूट कटेगा 113 ही होगा, आपको पता है ना, रूट 5 का वर्ग 5 होता है, रूट 3 का वर्ग 3 होता है, तो ये बनेगा 113 बट्टा में, क्या बनेगा बट्टा में, 1 का वर्ग 1 7 का वर्ग 49 रूट 113 का वर्ग बनेगा 113, ठीक है। अब देखो अंश में भी 113 लसप आएगा और हर में भी 113 लसप आएगा, यहां करता हूं तो क्या बनेगा, ऊपर देखो अंश की बात करें 113 मेरा लसप आएगा, 113 को 1 से गुणा करेंगे तो 113 माइनस का 64 बन जाएगा, ऊपर 113 लसप आया 1 से गुणा होके 64 घटेगा, नीचे 113 लसप आएगा 1 से गुणा होके 49 घटेगा, बट्टा में क्या आएगा 113 माइनस का 49 बट्टा 100
13, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, 113 से 113 कैंसिल, क्योंकि देखो आपने ट्रिक बताई ना, 1212 वाली ट्रिक, 2 नंबर पे यहां भी 113, 2 नंबर पे यहां भी 113, तो 113 से 113 कट गया, तो क्या बचेगा, 113 माइनस 64 बट्टा में बचेगा 113 माइनस 49, तो कितना बचेगा, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 10 में से 6 गए 4, तो पहले का उत्तर यह आ गया है, ठीक है। इसी प्रश्न का छोटा सा पार्ट टू है, इसी प्रश्न का कोट बराबर दिया है 7/8, ठीक है, इसी प्रश्न सातवें का दूसरे में आपको कोट स्क्वायर निकालना है, तो बहुत एक मिनट का ही सवाल है, बिल्कुल एक मिनट, ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा भी निकालना है आपको, सातवें का दूसरा पार्ट करवा रहा हूं, ये जो सातवां है ना, इसका पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हो कोट स्क्वायर थीटा और कोट थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, ठीक है। लेकिन किसी ने कोट थीटा के ऊपर स्क्वायर कर दिया, थीटा का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कोट थीटा का स्क्वायर, कोट थीटा कितना दिया हुआ है सवाल में, 7/8 यानी उसका वर्ग कर दो, और 7 का वर्ग होता है 49, 8 का होता है 64, ठीक है, ये इतना सा ही होगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज समय हो चुका है, हम इतने ही सवाल करेंगे, शेष प्रश्नों को अगले भाग में करेंगे, 8वां 9वां 10वां और 11वां अगले भाग में करेंगे, और उसी के साथ आगाज करेंगे प्रश्नावली 8.2 का, क्योंकि उसका भी मैंने बेसिक आपको शुरुआत के 4 वीडियो में बता दिया है, और जो भी प्यारे विद्यार्थी अन्य बोर्ड के विद्यार्थी जो जुड़े हैं उनको भी बता दूं, एनसीईआरटी यदि आपकी किताब है तो जल्द से जल्द उत्कर्ष में जुड़ जाइए लाडलो, नाम मात्र की फीस के अंदर आपको हर पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन विद आपके जवाब भी हम देंगे, आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट के माध्यम से अपने गुरुजी से पूछ सकते हो, तुरंत जवाब मिलेगा, 2-3 पार्ट ही हुए हैं इसलिए ज्यादा देर मत करो, अभी भी आप जुड़ सकते हो, और पहले जितना अभी तक हमने पढ़ा दिया है वो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसके अलावा हर पार्ट के नोट्स मिलेंगे, आप जो कॉपी में गुरुजी लिखाते हैं स्कूल में वो बने बनाए आपको मिलेंगे, आपको प्रिंट निकाल के बढ़िया से पढ़ सकते हो, उसके अलावा आपको हर पार्ट की क्विज मिलेगी, हर पार्ट के 30-30, 40-40, 60-60, 100-100 सवाल आपको हर पार्ट के ABCD ऑब्जेक्टिव MCQ जिससे आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न बदला हुआ है, इस बार MCQ भी पूछते हैं, तो तैयारी रखनी है, और इनका वीडियो, इनका भी वीडियो सॉल्यूशन और क्या चाहिए, तो जल्दी जल्द उत्कर्ष ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो लाडलो, और जल्द से जल्द 10वीं का कोर्स खरीद लो, और मैं नजर चाहता हूं कि हमारे सारे लाडले नजर आए। तो आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इधर इतना ही, हर शनिवार को सुबह 8 बजे हमारी क्लास लगती है, अगली क्लास अगले शनिवार को लगेगी, पार्ट 6 लगेगा, और विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।